हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर केसरी बर्फी। इसके लिए हमने एक कप पनीर लिया है कसा हुआ, एक कटोरी हमने पिसी हुई चीनी ली है, इसको बूरा भी बोलते हैं, एक कटोरी मिल्क पाउडर, दो चम्मच घी, एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर लेंगे, 20 पंखुड़ियां हमने केसर की ली हैं जो दो चम्मच दूध में डाल दी थी। ये बर्फी के ऊपर का पार्ट है बनाने के लिए। अभी व्हाइट बर्फी बनाने के लिए सेम वही चीजें ली हैं हमने, एक कटोरी मिल्क पाउडर, एक कटोरी पिसी हुई चीनी या बूरा, दो चम्मच घी, एक कटोरी पनीर कसा हुआ। इसमें हमने केसर और फूड कलर का यूज नहीं किया है क्योंकि इसको हम व्हाइट रखेंगे। सबसे पहले हम व्हाइट बर्फी बनाएंगे। गैस ऑन करते हैं। इसमें डालेंगे घी, इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, पनीर, सभी चीजों को मेल्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, अभी इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक कि थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, जमने के लिए तैयार ना हो जाए। व्हाइट बर्फी हमारी जमने के लिए तैयार हो गई है। एक बॉक्स में हमने घी लगा लिया है, अभी हम इसमें इसको कर देंगे बर्फी को। व्हाइट बर्फी को हमने बॉक्स में फैला लिया है, अभी हम केसरी बर्फी बनाते हैं इसके ऊपर की पट्टी। उसमें भी सेम घी डालेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। पिसी हुई चीनी, मिल्क पाउडर, पनीर, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए सेम व्हाइट बर्फी की तरह बनाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें डालेंगे हम केसर, थोड़ा सा फूड कलर जब डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये जमने के लिए रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, इसको इसके ऊपर कर देंगे, व्हाइट बर्फी के ऊपर इसकी परत लगा देंगे इस तरह से। व्हाइट बर्फी के ऊपर हमने केसरी बर्फी की परत जमा दी है, अब इसको हम 1 घंटा फ्रीज में रखेंगे, उसके बाद इसके पीसेस काटेंगे। 1 घंटा हो गया है, हमारी बर्फी भी सेट हो गई है, इसको कट कर लेते हैं। हमारी केसरी बर्फी बनकर के तैयार है। इसको आप फास्ट में भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।